अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको जो है वो फैब्रिक पेंटिंग की कुछ टेक्निक्स बताऊंगी। मैंने ये कुछ फैब्रिक कलर्स लिए हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और ये मैंने पिक्सिंग पैलेट लिया है, और ये मैंने एक स्पंज लिया है। आपको जो चीज़ इसके लिए चाहिए होगी असल वो है स्टेंसिल्स। स्टेंसिल्स आपको वैसे तो पेंट वगैरह के लिए मिलते हैं, ताकि आप जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो एक बिल्कुल परफेक्ट बना सकें, तो मैंने फैब्रिक पेंटिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया है। चलिए जी, आज फिर स्टार्ट करके बताती हूँ मैं आपको कि हमने और क्या मटेरियल की ज़रूरत है। हमें एक कार्डबोर्ड चाहिए होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बैक साइड पर हमारी कमीज़ के जो है वो निशान पड़ जाए। ये मैंने एक बनाया था, पहले आपको दिखाने जा रही हूँ। ये रोज़ेस वगैरह बनाए थे मैंने, हाईलाइट वगैरह किए हुए। तो हम दूसरी साइड अपनी शर्ट के मैं थोड़ा सा ये एक स्टेप करके दिखाना चाह रही हूँ। आपने इस जगह पर जो है वो फूल बनाना है, तो सबसे पहले नीचे आपने क्या करना है, कार्डबोर्ड रखना है। सिलाई से पहले भी आप लोग जो है वो ये काम कर सकते हैं। अच्छे से इसको टाइट करना है, ताकि ये हिले ना। अब यहाँ पे मैं जो है वो स्टेंसिल ऊपर रखूंगी। स्टेंसिल जब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिप्स लगाऊंगी, ताकि मेरा स्टेंसिल जो है वो कपड़े से हिले ना, और जो मेरा डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो जाए। चलें जी, क्लिपिंग स्टार्ट करते हैं। पहले एक साइड पे जो है वो मैं क्लिप्स लगा रही हूँ, ये इससे जो है वो अब एक ही जगह पर रख लेंगे, और इससे ये हिलेगा नहीं और ख़राब नहीं करेगा। स्टेंसिल जो है वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप से, इसीलिए जो है वो आपको ऑनलाइन ये अवेलेबल होंगे, और महंगे भी नहीं है, रिजनेबल प्राइस है उनकी। आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर का पेज है, वहाँ से मैंने ये मंगवाए थे, और बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ होती हैं, रिजनेबल प्राइस में होती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। मैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं स्पंज से। पहले पेंट मैंने रेड लिया है, क्योंकि मैं पहले रोज़ बनाने का सोच रही थी। आप चाहें तो डिफरेंट कलर्स में इनको बना सकते हैं। मैं अपनी शर्ट पे मैचिंग कर रही थी, तो सो मेरे लिए ये रेड और ब्लू और ग्रीन ही मेरे लिए ठीक था। आप डिफरेंट कलर्स जो हैं यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्पंज की मदद से स्टेंसिल्स के इन एरियाज में आप जो है वो फिल करें कलर्स को अच्छे से। केयरफुल, ज़्यादा साइडों पर नहीं जाना चाहिए। जो आपका एक्सप्रेशन बना हुआ है, यानी फूल का जो एक साइज़ बना हुआ है, उसके हिसाब से आप वहाँ पे कलर करें। मैंने थोड़ा लाइट शेड दिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी नहीं करना चाह रही थी। आप लोग चाहें तो इसको डार्क शेड में भी बना सकते हैं, मतलब ज़्यादा कलर यूज़ कर लें। कलर वैसे थिक होते हैं बहुत ज़्यादा, आप लोग चाहें तो उन कलर्स को पतला भी कर सकते हैं, थिन भी कर सकते हैं, थिनर यूज़ होता है। अगर कोई थिनर नहीं मिल रहा, तो आप नेल पॉलिश रिमूवर को भी थिनर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने अब काफ़ी मतलब वो उसको फिल कर लिया। अब ग्रीन कलर में लूँगी मैं लीव्स वगैरह को कर रही हूँ, क्योंकि लीव्स जो हैं वो मैं इसमें बनाना चाह रही थी। वैसे अगर आप चाहें तो लीव्स ना भी बनाएं, तो कोई इतना इशू नहीं होगा। सिंपल मतलब फ्लावर्स वगैरह बना लें, और डिफरेंट मतलब पेटल्स उनकी कलरफुल और ये सब कुछ। वैसे ये सिर्फ एक फर्स्ट ट्यूटोरियल है, इसके बाद मैं और भी दूंगी, जिनमें डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स के ज़रिए फैब्रिक पेंटिंग आपको मैं सिखाऊंगी। फैब्रिक पेंटिंग करने में मज़ा आता है। यहाँ बस मैं सिंपली आप लोगों को बताना चाह रही थी कि आप किस तरीके से स्टेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड होते हैं इनको यूज़ करने के लिए। कोशिश कीजिए साइडों पर ना लगे। मेरे यहाँ साइड पे थोड़ा सा लग गया है, बट मुझे इसकी वो नहीं टेंशन है, क्योंकि मैंने